अमित भाई ये, मैंने पिछली बार भी आपसे ये सवाल पूछा था सी को आप कब तक नोटिफाई कर पाएंगे आपने कहा था देर इज नो क्वेश्चन ऑफ गोइंग ऐसा है जी सी को सी देश का कानून है आप पहले ही समझ कर चलिए जी कोरोना के कारण जारी होने में मतलब उसको लागू करने में हमें थोड़ी देर हुई है मगर अब कोरोना की स्थिति ठीक है और सी का लागू होना सुनिश्चित अमित जी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है झारखंड में ये समस्या और भी ज़्यादा भारी है इसके इसको आप कैसे देखते हैं झारखंड बुरा पहाड़ को क्लियर करने के बाद लगभग लगभग समाप्त हो चुका है आपके पास शायद लेटेस्ट आंकड़े नहीं है लेफ्ट लेप्ट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के मतलब वामपंथी उग्रवाद के सभी आंकड़ों के अंदर नब्बे से साठ साठ से नब्बे की गिराई गिरावट है और जो दो जिलों में फैला हुआ था अब वो 43 जिलों में सिमट कर रह गया है। ये तीन साल के अंदर हमने बहुत कठोर लड़ाई लड़ी है ढेर सारे लोगों ने आत्मसमर्पण किया है और ढेर सारे लोगों पुलिस की मुठभेड़ में मारे भी गए हैं और वहाँ पर डेवलपमेंट के मोर्चे पर भी मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि बिहार और झारखंड में वामपंथी उग्रवाद का एरा अब समाप्त हो चुका है निर्णायक पोजीशन आज वहां पर भारत सरकार की एजेंसियों की है और अब जो थो, थोड़ा हिस्सा बचा है उड़ीसा तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बीच के ट्रायंगल का उसको भी हम बहुत हमने 817 कैंप लगा है आप कल्पना कर सकते तीन साल में 817 कैंप जी इतने अंदर गए हैं बहुत अच्छा परिणाम आया है आप होम डिपार्टमेंट की साइट को खंगा दीजिएगा तो शायद आपको 45 मिनट का कार्यक्रम करने का एक मटेरियल मिल जाएगा <laughs> अमित जी दो तीन सवाल और मुझे पता है कि समय आपके पास कम है पर आपको पकड़ना आसान भी नहीं है इसलिए मैंने कहा कि दो तीन सवाल और पूछ लेता हूँ इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑपोजिशन का कहना है कि ये सरकार जिस तरीके से यूज कर रही है डर बनाने का माहौल नेताओं के पीछे जो है ईडी को लगा देना इधर बीच एक स्पेशल कोर्ट ने ये तक कहा कि जो है संजय राउत जी के पीछे जो ईडी का इन्वेस्टिगेशन रहा वो एक विच हंट है इसको आप कैसे देखते हैं देखिए हमारे देश में न्यायिक व्यवस्था बनी है और तीन स्तरीय न्यायिक व्यवस्था है सेशन कोर्ट होते हैं हाई कोर्ट होते हैं सुप्रीम कोर्ट होती है जो देश की सर्वोच्च अदालत है किसी को भी कोई भी ग्रीवंस है तो प्रेस में जाने की जगह कोर्ट में जाना चाहिए और संजय राउत जी के खिलाफ जो जजमेंट आया है मतलब उनके पक्ष में जो उसमें भी हाईकोर्ट में अपील हुए उसकी राह देखनी चाहिए मुझे मालूम नहीं है लीगल पोजीशन क्या है मगर हमारी सरकार की समय में एजेंसियों का रिकॉर्ड है जो भी केस बनाए वो कोर्ट में टिकते हैं और मेरिट्स के आधार पर केस बने हैं अभी जी दो के चुनाव को आप कैसे देखते हैं जो सीट आपके पास प्रचंड बहुमत आई थी उससे आप उसको उससे अच्छा कैसे कर सकते हैं उससे उसको वहां पर होल्ड करके कैसे रख सकते हैं कहां से कहां से आपको ज्यादा मैं मैं एरिया बता ही देता हूं आपको हम दक्षिण में हमें अपने आप को इम्प्रूव करेंगे तेलंग, तेलंगाना तमिलनाडु और आंध्र के कुछ डिस्ट्रिक्ट में हम अच्छा परफॉर्म करेंगे परिणाम लाएंगे इसके साथ साथ उड़ीसा में हम बहुत अच्छा इम्प्रूव करेंगे बंगाल में हम बहुत अच्छा इम्प्रूव करेंगे अट्ठारह सीट से ज्यादा है बंगाल में और ज्यादा हाँ हाँ बहुत अच्छा इम्प्रूव करेंगे और बिहार में अब जगह हमारी बढ़ गई है तो स्वाभाविक रूप से इम्प्रूवमेंट होगा हमारा रिकॉर्ड है कि हमने 2019 में एनडीए के साथ दो तिहाई बहुमत प्राप्त किया अरे 2014 में 2019 में भाजपा ने दो तिहाई बहुमत प्राप्त किया और 2024 में इससे भी बड़े बहुमत के साथ फिर से मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना सुनिश्चित है मैं देश की जनता के आशीर्वाद हमारे साथ है मोदी जी के साथ है और मोदी जी के प्रयास को मोदी जी के प्रयास को देश के अर्थतंत्र को मजबूत बनाने का प्रयास देश के अर्थतंत्र को ग्यारहवें गा, पायदान से पांचवें पायदान पर लाने का रिजल्ट और देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का रिजल्ट देश की पूरी जनता जानती है देश के सुरक्षा सिनेरियो को मोदी जी ने ड्रास्टिकली चेंज किया है देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एक लाख नौ हजार करोड़ का पांच साल में इन्वेस्टमेंट वो कोई कल्पना नहीं कर सकता था जो मोदी जी ने धरातल पर लाकर बताया है और हर क्षेत्र के अंदर चाहे पर्यावरण हो चाहे कानूनी सुधार हो चाहे कानून रिपील करने हो और चाहे दुनिया की सभी समस्याओं में लीड देना हो पूरी दुनिया मोदी जी की और बहुत आशा के साथ दिख रही है तो मोदी जी की एक ग्लोबल लीडरशिप को देश की 130 करोड़ की जनता एक्नोलेज करती है और मुझे भरोसा है कि हम और अच्छे बहुमत के साथ 24 में फिर से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे और देश अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करेगा हमें जी आपने हमको इतना समय दिया आपको आपकी इस इंटरव्यू को पूरे देश में हमारे सारे चैनल में हर भाषा में देखा गया है आपके समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने इस बार फिर हमको पहले नेशनल चैनल को इस इंटरव्यू को दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू मुझे यहाँ बुलाकर मंच देने के लिए टी वी का बहुत बहुत आभार और गुजरात की जनता को मैं अपील करना चाहूँगा जिन्होंने किया है इन पर भरोसा रखना वही करेंगे वही गुजरात को मजबूत बनाएंगे वही गुजरात को नंबर वन बनाएंगे जिन्होंने किया है इस पर भरोसा रखना धन्यवाद